सीमा विवाद पर चीन की नरमी, आखिर क्या छिपी है ड्रैगन की कोई साजिश? भारत और चीन के बीच में लद्दाख सीमा पर जारी तनाव के बीच में पेइचिंग की तरफ से नरमी भरे बयानों से कुछ कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हुई है और इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि रक्षा सूत्रों का कहना है कि इन बयानों को ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए और इनका ज्यादा कोई मतलब निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ड्रैगन है, ये कभी भी धोखा दे सकता है। दरअसल लद्दाख सीमा पर भारत के सख्त स्टैंड के बाद चीन ने अपने रुख में नरमी लाते हुए वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर मौजूदा तनाव को लेकर दोस्ती भरा बयान देना शुरू कर दिया है। हालांकि भारतीय डिफेंस सूत्रों ने कहा है कि चीन के बयानों को तब तक खास तवज्जो देने की जरूरत नहीं है जब तक कि जमीनी हकीकत में कोई बदलाव देखने को न मिले। हम आपको बता दें कि लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच में सैनिकों में करीब एक महीने से बहुत ही जोर की तनातनी चल रही है। बताया जा रहा है कि 5,000 चीनी सैनिक वहां पर जमा हो गए हैं और भारत ने भी चीन को माकूल जवाब देने के लिए लद्दाख में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। भारत कर रहा है सुरक्षा की पूरी तैयारी। आर्मी के शीर्ष अधिकारी ऑपरेशनल तैयारों में जुटे हुए हैं और सुरक्षा सूत्रों का मानना है कि जब तक कोई चीनी सुरक्षा बलों की तरफ से बिना किसी शर्त के लद्दाख के इलाकों से पीछे वो लोग नहीं हटते हैं, तब तक ऐसे बयानों को देने का कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक बयान है जो राजदूत जो है दूसरे देश में बैठकर देते हैं। चीनी बयानों का मतलब ज्यादा ना निकालें। डिफेंस सूत्रों ने बताया है कि बुधवार को चीन विदेश मंत्रालय और उसके राजदूत के बयान के कुछ ज्यादा मायने नहीं निकाला जाना चाहिए, क्योंकि जब तक भारत की सीमा वाले इलाके में घुसी चीनी सेना वापस नहीं चली जाती है तब तक इन बयानों का कोई मतलब नहीं है। और शब्दों को कार्रवाई में बदलना होगा, उसके बाद ही ड्रैगन पर कुछ भरोसा किया जा सकता है। भारत से तीन गुना है रक्षा बजट। अभी 26 मई को ही चीन का रक्षा बजट आया है और इस साल इसे $179 बिलियन रखा गया है। इसके पीछे देश के सामने खड़ी चुनौतियों को बताया गया है कि पिछले साल के मुकाबले में इसे 6.6% की बढ़ोतरी इसमें की गई है। और भारत की अगर बात करें तो हमारा रक्षा बजट साल 2020 के लिए $66.9 बिलियन का है। चीन का ताजा बजट इसका 2.7 गुना ज्यादा है। चीनी राजदूत ने दिया था ड्रैगन हाथी के वाला बयान। बता दें कि भारत में चीन के राजदूत सन वेडंग ने कहा कि भारत और चीन एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है, बल्कि द्विपक्षीय सहयोग में दोनों देशों के मतभेद की परछाई पड़ने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। दरअसल चीन अमेरिका की धमकी से बौखलाया हुआ है। कुछ पत्रकारों और युवाओं के डेलीगेशन के साथ में वेबिनार में राजदूत सुन वेडंग ने कहा कि ड्रैगन और हाथी के साथ साथ में डांस करने की हकीकत को समझना चीन और भारत दोनों के लिए सही विकल्प होगा और इसी से दोनों देशों और उनके नागरिकों के मूल हित सुरक्षित रहेंगे। दो बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में चीन और भारत को आपसी सहयोग मजबूत करना चाहिए, जिससे दोनों समान हित के केक का विस्तार कर सकें। LAC पर 5,000 के करीब चीनी सैनिक जो भारतीय सेना सीमा में घुसपैठ किए हुए हैं। LAC के पेंगोंग सो, डेमचोक और गालवान घाटी इलाके में करीब 1,200 और 1,500 चीनी सैनिक हैं और भारतीय सैनिक उनको कारगर तरीके से रोके हुए हैं। यही नहीं, चीन ने विवादित क्षेत्र के करीब अतिरिक्त सैनिक अपने इलाके में बढ़ाए हैं और करीब 5,000 सैनिक वहां पर मौजूद हैं। भारत ने बढ़ाई सैनिकों की संख्या। चीनी हरकत को देखते हुए भारत ने भी इस इलाके में अपने सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी की है।
पिछले एक महीने से चल रहे विवाद का कई राउंड की बैठकों के बाद में कोई भी हल नहीं निकला है और डोकलाम में कूटनीतिक प्रयासों के से मिली थी सफलता जो आज भी याद की जाती है। जून अगस्त 2017 में सिक्किम भूटान और तिब्बत ट्राई जंक्शन के करीब डोकलाम में भारतीय और चीनी सेना के बीच में जो तनाव चला था 73 डेज का तनाव कड़े कूटनीतिक प्रयासों के बाद में खत्म हुआ था और एक सूत्र ने बताया कि उसके बाद चीनी सेना ने वहां पर स्थायी तौर पर सैनिकों की तैनाती कर दी थी और वहां सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना दिया था जो आज भी बना हुआ है और उत्तरी डोकलाम में हेलीपैड बना दिए गए हैं। इस बार हमारे हिस्से वाले इलाके में तनाव बढ़ा है। एक अधिकारी ने बताया कि आर्मी के कमांडरों की चल रही बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में 6 ऑपरेशनल ट्रेनिंग कमांड के सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल के स्तर के अधिकारी भाग ले रहे हैं और इस बैठक में ऑपरेशन स्थिति और चुनौतियों पर चर्चा होने की संभावना है। चिंता की बात यह है कि चीन लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहा है जिससे इस तरह की तनातनी आए दिन आती रहती है। चीनी मिलिट्री कमांडर जैसे भारत पाकिस्तान की तरह डीजीएमओ लेवल स्तर की हॉटलाइन बनाने को लेकर भी हमी नहीं भर रहा है ड्रैगन। भारत और चीन के बीच में 2013 में बने बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी बीडीसीए के तहत एलएसी पर बिना सहमति के वाले क्षेत्रों में दोनों पक्षों को पेट्रोलिंग की इजाजत नहीं देता है लेकिन इस समझौते को जमीन पर लागू ही नहीं किया गया है। शीर्ष स्तर पर हॉटलाइन बीडीसीए की बैठक में प्रस्तावित किया गया था कि उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी की 2015 में चीन यात्रा के दौरान इस पर सहमति बनी थी। तो दोस्तों फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया आजकल सच खबर हर पल। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो में। धन्यवाद। इंडिया आजकल सच खबर हर पल।